हे गाइस, आप लोगों को फिर से मेरी एक न्यू वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रिकवर फेसबुक मैसेंजर मैसेज। गाइस, आप लोगों का कभी ना कभी ऐसा होता है कि आप लोगों की फेसबुक मैसेंजर से इतनी इंपॉर्टेंट मैसेज डिलीट हो जाता है और बाद में गाइस आप लोग उसको रिकवर करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। और गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग इसी उम्मीद को लेकर आए हो कि हम लोग अपना फेसबुक मैसेंजर में जो मैसेज डिलीट हुआ है उसको रिकवर कर पाए। तो गाइस, आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है और अगर गाइस आप लोगों को वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कर लेना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि गाइस मेरा हर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के साथ। तो गाइस, आप लोगों को सबसे पहले फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। मैं गाइस यहाँ पे रोटेट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि गाइस आप लोगों को सभी चीज़ सही तरीके से देखने को मिले। यहाँ पे गाइस आप लोगों को सबसे पहले सेटिंग पे जाना है, फेसबुक सेटिंग पे। सेटिंग पे आने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को प्रोफाइल सेटिंग करके एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उस पर गाइस आप लोगों को जाना है। यहाँ पे आने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है। यहाँ पे गाइस आप लोगों को एक यहाँ पे योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसी ऑप्शन पे गाइस यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। सिंपली गाइस आप लोगों को डाउनलोड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा रिक्वेस्ट कॉपी और अवेलेबल कॉपीज करके, ये दोनों ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे गाइस आप लोगों को रिक्वेस्ट कॉपी के ऑप्शन पे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, टिक किया हुआ है। अभी ऑप्शन आप लोगों के पास भी टिक ही होगा। तो गाइस आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है, मैसेंजर को आप लोगों को रिकवर करना है तो बाकी सारे ऑप्शन को आप लोगों को अनटिक कर लेना है। जैसे गाइस मैं यहाँ पे अनटिक कर लेता हूँ। इस यहाँ से आप लोग सभी बहुत सारे चीज़ों को रिकवर कर सकते हो, आपकी फेसबुक के अंदर जो भी फीचर्स है हर एक चीज़ को आप लोग रिकवर कर पाएंगे। तो गाइस आप लोग को यहाँ पे सभी चीज़ को अनटिक कर लेना है, ओनली मैसेंजर को ही टिक करके रखना है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने ओनली मैसेंजर को ही टिक किया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे मैसेंजर को आप लोग को टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आप लोग गाइस सबसे नीचे जाना है, नीचे जाने। तो गाइस आप लोगों को यहाँ पे सबसे नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोग को डाटा का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑल ऑफ माई डाटा, और फॉर्मेट का भी ऑप्शन है। गाइस यहाँ पे आप लोग का डाटा को आज तक आपकी मैसेंजर से जितने भी मैसेज डिलीट हुए सभी मैसेज को अगर आप लोग रिकवर करना चाहते हैं तो गाइस यहाँ पे आप लोग को ऑल ऑफ माई डाटा पे रखना है। और गाइस आप लोग उसी अब डाटा को अगर रिकवर करना चाहते हैं या गाइस एक साल की डाटा को रिकवर करना चाहते हैं तो गाइस यहाँ पे गाइस आप लोग डेट को लगा सकते हो। और गाइस फॉर्मेट में ज़्यादा कुछ करने के नहीं है, एगलिस इतना करने के बाद गाइस ये सब अपने हिसाब से कर लेना। करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को क्रिएट फाइल पर क्लिक करना है। नीचे क्रिएट फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइस आप लोगों का होगा कि यहाँ पे अवेलेबल कॉपीज पे आ जाएगा जो मैंने पहले बताया था। यहाँ पे गाइस मैंने जो अभी ऑर्डर लगाया मैसेज को रिकवर करने का वो गाइस आप लोग देख सकते हो वो पेंडिंग पे है। उससे पहले गाइस मैंने 2 घंटे पहले एक ऑर्डर लगाया था रिकवर करने के लिए, वो देख सकते हो गाइस नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे गाइस मैंने उसी ऑर्डर को अभी 2 घंटे पहले लगाया था, अभी हो गया, ये मतलब रिकवर हो गया, उसको मुझे अभी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली गाइस मैं डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे गाइस आप लोगों को सभी वो जो चीज़ गाइस आप लोग रिकवर करना चाहते थे वो सारे चीज़ें गाइस यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। सिंपली गाइस आप लोगों को आपके फेसबुक का पासवर्ड को देना है, देने के बाद गाइस आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक करना है। लेकिन मैंने जो पहले रिकवर करने के लिए लगाया था सिर्फ गाइस मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए लगाया था उसको ऑर्डर, इसलिए गाइस मैं इसको रिकवर नहीं करूँगा, डाउनलोड नहीं करूँगा। सिंपली गाइस आप लोग को मैंने जैसे बताया ऐसे ही कर लेना, आप लोगों का जो भी मैसेज होगा सारे मैसेज रिकवर हो जाएगा। आज की वीडियो में बस गाइस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि गाइस मेरा हर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।